हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हो। हाँ, साइट में आ गया हूँ, तो देख रहा हो साइट का काम कैसे चल रहा है। यहाँ पर जो ब्रिज है, ब्रिज कई साल से काम चल के आ रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ये। और इस ब्रिज का जो लेंथ है, ये 3 किलोमीटर का लेंथ है इस ब्रिज का। ये वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा ब्रिज है, इसका काम 5 सालों से चल के आ रहा है, फिर भी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। जो मेन ब्रिज है उसका काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका जो वाटर बैरेज है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो वाटर बैरेज है उसी का काम चालू है अभी। इस तरह जो देख पा रहे हो वो अप्रोच का जो बोल्डर सोर्सेस है उसी का बांध का काम हो रहा है। और इस तरह जो देख रहा हो रोड में पानी डालकर रोड का जो सोयल है उसको कंपैक्ट कर रहा है। फिर सोयल कंपैक्टर से ये सोयल को कंपैक्ट करेगा। यहाँ पर जो गेट बनाया है, यहाँ पर से गेट बनाया गया क्योंकि यहाँ का वाटर जब बढ़ता है तो कभी बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर से गेट बनाया गया। और ये जो एक गेट का लेंथ है, ये 3 मीटर का लेंथ है इसका, और देख रहा हो काफ़ी मजबूती से बनाया गया। और उस तरफ जो देख रहा है वो है हम का सॉइल कॉम्पैक्टर, तो फिर चलिए वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारा बोल्डर लाया गया, इसको जो साइड में जो अप्रस का रिटेनिंग वॉल है उसी का बांध का काम कर रहा है यहाँ पर। और ऐसे देखिए जो सॉइल है उसको पानी खिला खिला करके उसको कंपैक्ट कर रहा है, और उसके बाद जो एक्सकवेटर है हम का उसी से इसको रोल करेगा। अच्छा देखिए, जेसीबी भी काम कर रहा है। और उस तरफ जो है हुंडई का एक्सकवेटर, वो उसकी मदद से बोल्डर को लेबर के पास ले आ करके रख रहा है ताकि काम थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए। ये देखिए, लेबर लोग भी काफ़ी मेहनत से काम कर रहा है। देखिए बोल्डर सोर्सेस का जो बांध है वो बहुत अच्छा तरीके से बांधा, ताकि एक के साथ एक थोड़ा स्पेस रखकर बांधा, क्योंकि ये जब पानी बढ़ेगा रेन कट होने से बोल्डर पलटी ना हो जाए।
इस तरह अभी भी बोल्डर सोर्सेस का काम नहीं हुआ, इस तरफ भी बोल्डर सोर्सेस का काम करना पड़ेगा और इस तरफ भी बोल्डर सोर्सेस का बांध नहीं हुआ, यानी कि फ्रंट साइड में बोल्डर सोर्सेस का बांध हो रहा है, एक साइड कंप्लीट, लेफ्ट साइड कंप्लीट है और राइट साइड का काम आज भी चालू है, ये भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ये जो रास्ता है, ये रास्ता से कुछ ही मीटर जाने पर ब्रिज मिल जाएगा, ब्रिज का लेंथ है 3 किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ब्रिज सिर्फ 5 ही सालों में बन गया और इसका जो कारण है यहाँ का जो वर्कर्स है उन लोगों का कड़ी मेहनत और डिपार्टमेंट का फुल सपोर्ट। ऐसे यहाँ पर जो मशीन था ब्रिज का काम के लिए वो मशीन भी काफ़ी लेटेस्ट मॉडल का था और इस कंस्ट्रक्शन साइट का जो ऑनर है उसका ईमानदारी, इन चीज़ों की वजह से ये ब्रिज इतना जल्दी बन गया। ब्रिज काफ़ी लंबा है इसलिए आप लोगों को ब्रिज में घुमाने नहीं ले जा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है, फिर कभी ब्रिज को घुमाऊँगा। और एक ब्रिज का काम चल रहा है यहाँ से नज़दीक ही हमारा, वो ब्रिज का जो लेंथ है 74 मीटर का है, वो बहुत जल्दी चालू होने वाला है। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि ब्रिज कैसे बनता है और एक ब्रिज बनने में क्या क्या करना पड़ता है तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है बगल में उसको क्लिक कर दीजिए ताकि ब्रिज का काम जो हो रहा है वो आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप दिखा पाऊँ और आप लोग भी जान पाए कि ब्रिज कैसे बनता है। सो आज का वीडियो बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा हुआ।